अब तक हमने देख लिया कि लिक्विडिटी रेशियोज कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारे पास करंट रेशियो है, क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो है, कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है, और उसके बाद एक नेटवर्किंग कैपिटल भी हम निकालना जान गए हैं, जो नेटवर्किंग कैपिटल रेशियो की तरह भी कहा जा रहा है, हालांकि हम जानते हैं कि उसमें एक फिगर कैलकुलेट की जाती है। चार कैटेगरीज हम लेकर चले थे, लिक्विडिटी रेशियोज, लिवरेज रेशियोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आइए अब इस सेकेंड कैटेगरी की बात करें, जो है लिवरेज रेशियोज या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। सो फ्रेंड्स, इट इज 7.2 लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज और लिवरेज रेशियोज। आइए देखें कि ये क्या है। दे मेजर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, यानी फर्म कितने दिन तक टिक पाएगी। अब यह सवाल सिर्फ लिक्विडिटी का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग कितने हैं लॉन्ग टर्म में। पहले हमने शॉर्ट टर्म में देखा था, अब हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। सो इट्स अ मेजर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड इट ऑल्सो मेजर्स स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। स्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि कितना हमने अपना पैसा लगाया है, जिसको हम इक्विटी कहते हैं, और कितना हमने उधार लेकर लगाया हुआ है, जिसको हम डेट कहते हैं। तो डेट और इक्विटी का मिक्स क्या है, यह हमारा डिफाइन करेगा कि सॉल्वेंसी हमारी कितनी है, कैसे जा रही है। इट इंडिकेट्स द मिक्स ऑफ द फंड्स प्रोवाइडेड बाय ओनर्स एंड लेंडर्स, जो मैंने आपको अभी बताया, ओनर्स यानी इक्विटी, लेंडर्स माने डेट। तो इनका मिक्स क्या है, कितना हो, हम एक रुपया लगाएं तो हम कितना उधार ले लें, लेंडर्स उधार ले लें, ओनर्स एक रुपया हमने लगाया एक ही रुपया उधार ले लें, एक रुपया हमने लगाया दो रुपया उधार ले लें, या और ज्यादा ले लें, यह अगला सवाल है। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, वो यही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है। इट अश्योर्स द लेंडर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स विद रिगार्ड टू, लेंडर जो हमें पैसा दे रहा है उसको कुछ एश्योरेंस चाहिए। क्या एश्योरेंस चाहिए, दो ही एश्योरेंस चाहिए, एक उसका पैसा सेफ रहेगा, दो उसको ब्याज मिलता रहेगा, कि और कुछ चाहिए। मेरे ख्याल से बच्चों इतनी दो चीजें अगर उसको पता चल जा रही हैं तो वो सुकून में है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबल है। वन, उसका पैसा सुरक्षित है, उसको जब चाहे वापस मिल जाएगा। टू, उसको जो भी उसने पैसा लगाया हुआ है उस पर ब्याज मिलता रहेगा। सो पीरियडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, ये दो चीजें हैं जो कोई भी लेंडर चाहता है कि सुनिश्चित हो जाए, वन एंड टू। तो इनको एश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास कौन कौन से रेशियोज है, आइए उसको हम देखें। So we have two types of ratios. One is related to capital structure ratio. Capital structure ratio का क्या मतलब हुआ, owners और lenders का आपस में ratio क्या है, this is capital structure ratio. और दूसरा है coverage ratio. Coverage ratio का क्या मतलब हुआ कि periodic payment of interest आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दो तरह के ratios हमारे पास हैं, इनको आइए हम आगे और देखते चलते हैं कि कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। स्ट्रक्चर क्या है, मैंने आपको बताया, एक कैपिटल है, उसमें क्या क्या आ सकता है, कहां कहां से कैपिटल आ सकती है, और उस कैपिटल में हमने जहां जहां से आ सकती है कहां कहां से कितना लिया हुआ है, दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। So, we want to know something about the equity ratio, debt equity ratio, debt to total assets ratio, माने अब हम liability sides और asset side of balance sheet के दोनों को compare कर रहे हैं, capital gearing ratio और proprietary ratio, इतने सारे ratios
बच्चों हमारे आए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है, वो कवरेज रेशियोज की है। कवरेज किस बात का, कि हमें पैसा इंटरेस्ट वाला मिलता रहेगा। सो दिस इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। व्हाट इज अ सर्विस, यहां सर्विस का मतलब है कि जिसने भी लोन लिया है वो लोन की सर्विस करता रहेगा कि नहीं। सर्विस टर्म जो है उसका मतलब है ब्याज देता रहेगा या नहीं। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो आमदनी हो रही है उसमें से कितना पोर्शन इंटरेस्ट में जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड द फोर्थ वन इज फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। एक एक करके हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज के बारे में जानेंगे और फिर कवरेज रेशियोज के बारे में जानेंगे और इनकी रेलेवेंस क्या है, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, को हम एक एक करके समझते चलेंगे। तो पहला हमारे पास सेक्शन आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। आप जानते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो आइए देखें कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में क्या बातें हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द फाइनेंसिंग टेक्निक्स यूज्ड। हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो हमें उसकी फंडिंग करनी होती है, फाइनेंस इकट्ठा करना होता है, और ये फंड इकट्ठा करने के लिए, फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए हमने कौन कौन सी तरकीबें लगाई, टेक्निक्स इस्तेमाल की, यानी कितना अपने पास से लगा लिया, कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ले लिया, कितना डिबेंचर होल्डर से ले लिया, वगैरह वगैरह। सो दिस इज फाइनेंसिंग टेक्निक्स। दूसरा फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन। असली बात तो यही थी, सॉल्वेंसी माने हम लॉन्ग टर्म में जो हमने पैसा लिया हुआ है उसको रीपे कर पाएंगे या नहीं। बैलेंस शीट शोज ओनली द एब्सोल्यूट फंड्स एम्प्लॉयड एंड इट्स सोर्सेज। बैलेंस शीट क्या दिखा रही है, कुल कितना पैसा लिया, कहां कहां से आया, लेकिन इसका आपस का रेशियो क्या है, कितना हम चुका पाएंगे, कितना सेफ है, ये कुछ भी हमें बैलेंस शीट से पता नहीं चल पाता। सो ओनली कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज शो द रिलेटिव वेट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज से कहां कहां कितना आया, उनका जो रिलेटिव वेट है कौन कितना है। एक हमारा है तो दूसरे का कितना है, आधा है, पौना है, मीन्स 0.5 है, 0.75 है या 1.25 है, ये हमें पता लगाना होता है। सो बच्चों हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में पांच तरह के रेशियोज हैं। वन इज इक्विटी रेशियो, टू इज डेट टू इक्विटी रेशियो, थ्री इज डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, देन फोर्थ इज कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड द फिफ्थ इज प्रोप्राइटरी रेशियो। आइए एक एक करके इन रेशियोज की बात करते चलते हैं। द फर्स्ट वन इज इक्विटी रेशियो। व्हाट इज दिस इक्विटी रेशियो, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। ओनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है और टोटल कितना पैसा लगा हुआ है, दिस इज इक्विटी रेशियो। दिस रेशियो इंडिकेट्स प्रपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड विद टोटल फंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। सो ये हमारा कितना लगा और टोटल कितना लगा, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनली इट इज बिलीव्ड दैट द हायर द पोर्शन ऑफ द ओनर्स फंड लोअर इज द डिग्री ऑफ रिस्क। सो एकदम सिंपल बात है, जितना मालिकों का पैसा लगा होगा उतना ही रिस्क या जोखिम कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर फर्म बंद होती है, रुपया डूबता है, तो किसका डूबा, ओनर्स का डूबा। तो डिग्री ऑफ रिस्क फॉर द लेंडर्स जीरो। इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोगों ने बहुत सिंपल अभी देखा है, ओनर्स फंड्स एंड टोटल फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो बस यही देखना है, क्या देखना है, इक्विटी रेशियो, शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कुल पैसा हमने कितना बिजनेस में लगाया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। दिस आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जो भी शब्द हम यहां ले रहे हैं, जो भी टर्म हम यहां ले रहे हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम ठीक से डिफाइन नहीं करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा। यहां मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो रेशियोज हम निकाल रहे हैं ये अभी तक बहुत स्टैंडर्ड हो नहीं पाए हैं। हमारी स्टडी कुछ कहती है, कोई और किताब कुछ और कह सकती है, तो उसमें आप बच्चों परेशान नहीं होंगे। हमारे लिए डेफिनेशन क्या है, जो हमारी स्टडी में दी गई है, जो स्टडी में जैसे दिया गया है, जिस टर्म को डिफाइन किया गया है,
हम उसी को वैसा ही मानते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्टडी मानना है। तो आइए देखें शेयर होल्डर्स इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी इसमें क्या क्या शामिल होगा। तो शेयर होल्डर्स फंड में शामिल होगा शेयर कैपिटल, आप समझते हैं, प्लस जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्या मतलब होता है? ऐसे प्रॉफिट्स जो एक साल से दूसरे साल तक कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं और अभी ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, ये जनरल रिजर्व्स माइनस भी हो सकता है, ये सरप्लस माइनस भी हो सकता है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये माइनस नहीं होती है। तो हम शेयर कैपिटल में जनरल रिजर्व जोड़ेंगे। अगर ये ब्रैकेट में दिया गया है, ब्रैकेट में कभी कभी फिगर दी जाती है, इसका मतलब ये नेगेटिव फिगर है, तो इसको हम घटाएंगे, सरप्लस जोड़ेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स को जोड़ेंगे। इस तरह से हमें पता लग पाएगा कि शेयर होल्डर्स फंड कितना है। ये शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहा है, ये जो ब्लॉक है हमारा, ये शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहा है, इतना ब्लॉक ये शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा फैक्टर है हमें कंसिडर करने के लिए, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी आप नीचे वाला मत पढ़िए, मत परेशान होइए। टोटल एसेट्स का क्या मतलब हुआ? बैलेंस शीट का एसेट्स साइड। करंट लायबिलिटीज का क्या मतलब हुआ? वह लायबिलिटीज जो एक साल के अंदर पे कर दी जानी है। का मतलब क्या हुआ कि वो पैसा जो क्रेडिटर्स को आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस को देना है, उसको हम करंट लायबिलिटीज कह रहे हैं। टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज घटा दें तो हमें ये पता चल पाएगा कि हमने कुल बिजनेस में पैसा लगाया कितना है, अपनी तरफ से कितना लगाया है। दिस इज समथिंग नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, वो क्या है? फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वर्किंग कैपिटल क्या है? आमतौर से जो करंट एसेट्स होती हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहने लगते हैं, लेकिन यहां पर जब वर्किंग कैपिटल की बात की गई है तो वो बात की गई है नेट वर्किंग कैपिटल की। व्हाट इज दिस नेट वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज नेट वर्किंग कैपिटल। दो अलग अलग ढंग से इस्तेमाल होता है। यहां इस वर्किंग कैपिटल को हम कैसे निकाल रहे हैं? इसको हम निकाल रहे हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दिस इज बीइंग ट्रीटेड एज वर्किंग कैपिटल। इसको बच्चों कभी कभी नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं और कभी कभी इस करंट एसेट्स को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको क्वेश्चन लगाते समय रखना पड़ेगा कि किस चीज को क्या कहा जा रहा है। सो वी नो द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्विटी रेशियो। लेट्स मूव अहेड। वी हैव दिस एग्जांपल विद अस। व्हाट इट सेज दैट वी हैव सर्टेन फिगर्स वैल्यूज विद अस। व्हाट आर द वैल्यूज वी आर हैविंग विद अस? शेयर कैपिटल 10 लाख ऑफ रुपीज, रिजर्व्स 2 लाख ऑफ रुपीज, सरप्लस 50,000। ओ माय गॉड, सरप्लस वो भी माइनस में। मैंने आपको बताया था कि ये सरप्लस है ये माइनस में हो सकता है। यहां देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये सरप्लस है, अगर ये ब्रैकेट में दिया जाएगा तो ये माइनस माना जाएगा। जनरल रिजर्व भी इसी तरह से माइनस में हो सकता है। दिस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। सो इन दिस एग्जाम्पल दिस सरप्लस इज माइनस 50,000, मीन्स हमारे पास नेगेटिव सरप्लस है। देन फ्रेंड्स वी हैव करेंट एसेट्स 5 लाख ऑफ रुपीज, नॉन करेंट एसेट्स 6 लाख ऑफ रुपीज, एंड ट्रेड पेबल 1,20,000। व्हाट आर वी सपोज टू डू? क्या करना है हमें? इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। इक्विटी रेशियो के लिए क्या हमें करना होता है? इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस वी नो, शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालें? सो शेयर होल्डर्स इक्विटी को आइए निकाल लेते हैं। शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व्स 2 लाख है, बहुत बढ़िया, ये दोनों शेयर होल्डर्स के हुए, सरप्लस भी उनका हुआ। करंट एसेट्स क्या उनकी हुई? पता नहीं, यहां तो अभी नहीं हमारे इक्वेशन में फिट इन होता। नॉन करंट एसेट्स फिट इन होता है? नहीं। ट्रेड पेबल फिट इन होता है? नहीं।
तो आइए देखें कि शेयर होल्डर्स इक्विटी को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो शेयर होल्डर्स इक्विटी को बच्चों हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर कैपिटल, दिस इज शेयर कैपिटल, विद द हेल्प ऑफ रिजर्व्स, दिस इज रिजर्व, एंड विद द हेल्प ऑफ सरप्लस, दिस इज सरप्लस। अनफॉर्चुनेटली दिस सरप्लस इज माइनस, सो इट हैज टू बी डिडक्टेड। इसीलिए इस इक्वेशन में बच्चों आपके सामने अब आ गई है 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपए के रिजर्व्स, ये दोनों जोड़े जा रहे हैं प्लस माइनस 50,000 विच इज नेगेटिव सरप्लस। सो 10 लैक्स प्लस 2 लैक्स इज इक्वल टू 12 लैक्स माइनस 50,000, दैट्स व्हाई वी हैव 11,50,000। दिस इज समथिंग नोन एज शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये बच्चों हमने निकाली शेयर होल्डर्स इक्विटी 11,50,000। अब आइए देखें कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं। मैं फिर से यही जा रहा हूं वापस अपनी इक्वेशन पे। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज और फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज दिस वर्किंग कैपिटल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। आइए देखें कि हमारे इलस्ट्रेशन में ये कैसे हो रहा है। सो हम क्या करें, टोटल एसेट्स देखें और उसमें से करंट लायबिलिटीज को घटा दें, कर सकते हैं क्या? हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये फिगर हमने देख ली, ये फिगर हमने देख ली, ये फिगर हमने देख ली। देन फ्रेंड्स, वी हैव करंट एसेट्स, वी हैव नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब फिक्स एसेट्स। अब देखिए ये टर्म्स लगातार आपको भ्रम में डालने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे। कभी फिक्स एसेट्स कहेंगे, कभी नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। तो अब ये नॉन करंट एसेट्स का मतलब फिक्स एसेट्स है। तो हमारे पास दो चीजें तो जुड़नी है ही एसेट्स के लिए। अगर हम बैलेंस शीट का एसेट साइड देखें तो दो ही चीजें होंगी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ये दोनों यहां आ गई। और ट्रेड टेबल करंट लाइबिलिटी, यू नो अबाउट इट वेल। सो आइए देखें कि यहां अब हम कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। वन इज द करंट एसेट्स, ये है करंट एसेट्स। टू इज द नॉन करंट एसेट्स, दीज आर द नॉन करंट एसेट्स। एंड देन वी हैव ट्रेड पेबल। सो व्हाट इज दिस ट्रेड पेबल, इज 1,20,000, दिस इज ट्रेड पेबल्स। वैल्यू आइए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए ये वाले। फिर नॉन करंट एसेट्स 6 लाख रुपए, ये 6 लाख रुपए, दोनों को जोड़ दिया। माइनस हमारे पास है ट्रेड टेबल्स, इन ट्रेड टेबल्स को घटा दिया। 5 लाख प्लस 6 लाख बराबर 11 लाख, माइनस 1,20,000 का मतलब हुआ कि अब हमारे पास जो फिगर निकल कर आई है वो है 9,80,000। ये 9,80,000 बच्चों यहां आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। सो द इक्वेशन इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस एंड इट सेज 11,50,000 अपॉन 9,80,000। सो इट इज 1.17 is equal to 1। दिस इज इक्विटी रेशियो। आपको करना क्या है, आपको दो वैल्यूज, दो फिगर्स अलग अलग कैलकुलेट करनी है, एक शेयर होल्डर्स इक्विटी, दो कैपिटल एम्प्लॉयड। और शेयर होल्डर्स इक्विटी जो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा को डिनोमिनेटर यानी कैपिटल एम्प्लॉयड से आपको डिवाइड कर देना है। याद रहे कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला है, इसको हम हमेशा वन मानते हैं, यही वन मानेंगे। और इसको वन मानते हुए हम ऊपर वाले को डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम नीचे वाले से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर अपने आप ही वन हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी से 1.17 is to 1। अगला रेशियो है हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो। अभी हमने इक्विटी रेशियो देखा यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है।
जो हमारे इस इलस्ट्रेशन में साफ साफ पता लगा कि शेयर होल्डर्स ने 1.17 टाइम्स लगाया हुआ है। एक रुपया अगर कैपिटल इंप्लॉयड है तो उसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी 1.17 है, ज्यादा उन्होंने दिया हुआ है। अब आइए देखें डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी डेट के मुकाबले में इक्विटी क्या लगी हुई है। सो इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट फंड इन रिलेशन टू इक्विटी, आई हैव ऑलरेडी शेयर विद यू। इसका क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बताया। वेरी ऑफन रेफर्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या हो, कितनी इक्विटी हो, कितना डेट हो, इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है, इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एंड लेजिस्लेशन डीलिंग विद कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, माने कभी कभी ये कानूनी प्रतिबंध भी लग सकता है कि आप कितना डिबेंचर इश्यू कर पाएंगे। सो दिस इज समथिंग लाइक डेट इक्विटी रेशियो। इट इंडिकेट्स फर्म्स फाइनेंशियल लिवरेज। What is this financial leverage? We'll talk somewhere else. Or I'll recommend that you go to internet and Google it out. Financial leverage. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो WhatsApp पे मैं हूँ, आप मुझसे please पूछिए। Then lenders are very keen to know this ratio. ये lenders के लिए बहुत important है। They are keen to know why? Because it shows relative weight of debt and equity. डेट और इक्विटी का जो रिलेटिव वेट है कि कौन सा कितना है, ये हमें दिखाता है। अ हाई डेट टू इक्विटी रेशियो मींस लेस प्रोटेक्शन फॉर क्रेडिटर्स, माने डेट ज्यादा है इक्विटी कम है। यहां देखिए बच्चों एक चीज और हमें समझ में आ रही है, जब हम कहते हैं डेट टू इक्विटी का मतलब क्या हुआ, डेट इज टू इक्विटी, माने इक्विटी डिनोमिनेटर हो गई, डेट न्यूमरेटर हो गया। तो जो पहले कहा जा रहा है वो ऊपर आ रहा है और जो बाद में कहा जा रहा है वो नीचे आ रहा है, वो डिनोमिनेटर हो जा रहा है। दिस इज डेट टू इक्विटी। सो हाई डेट इक्विटी रेशियो मींस लेस प्रोटेक्शन फॉर क्रेडिटर्स, मींस जिन्होंने पैसा दिया हुआ है। अ लो रेशियो ऑन द अदर हैंड इंडिकेट्स अ वाइडर सेफ्टी कुशन। ये तो लगता है कि भाई ज्यादा पैसा ओनर्स का लगा हुआ है, उधार कम लिया है, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि ज्यादातर इनकम ओनर्स के पास चली जाएगी, डेटर्स को कम मिलेगा। सो क्रेडिटर्स फील द ओनर्स फंड कैन हेल्प एब्जॉर्ब पॉसिबल लॉसेस ऑफ इनकम एंड कैपिटल। सो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज इन फ्रंट ऑफ अस। द इक्वेशन इज डेट टू इक्विटी रेशियो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी और टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, वेयर दिस टोटल डेट इज नॉट ओनली लॉन्ग टर्म डेट, वेयर दिस लॉन्ग टर्म डेट समटाइम्स ओनली इंटरेस्ट बियरिंग लॉन्ग टर्म डेट इज बीइंग कंसिडर्ड इन दिस इंस्टेड ऑफ टोटल लाइबिलिटीज। जो हमें पूरा देना है उसको हम कंसिडर नहीं करते, कभी कभी हम केवल उन्हीं लोन्स को हम कंसिडर करते हैं जिन पर हमें ब्याज देना होता है। ये सारी बातें आप क्वेश्चन में ढूंढ पाएंगे, क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। सो द शेयर होल्डर्स इक्विटी, वी नो व्हाट इज द शेयर होल्डर्स इक्विटी। हियर द शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्विटी माने इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स प्लस पोस्ट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। ये फिक्टिशियस एसेट्स इसमें शामिल नहीं होती। इसी तरह से जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो भी शामिल नहीं होते। इसकी बातें हम अभी आज भी इस समय भी समझ पा रहे हैं और आगे भी इसकी बात हम करेंगे। सो वी हैव दिस इलस्ट्रेशन फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मोर डेट टू इक्विटी रेशियो। आइए देखें वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। सो इलस्ट्रेशन 6, शेयर कैपिटल 1.5 लाख रुपए, रिजर्व्स एंड सरप्लस 23,000 ब्रैकेट में है, नाउ यू नो अबाउट इट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 1,78,500, करंट लाइबिलिटीज 18,500, फिक्स एसेट्स 1,23,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 26,000 एंड करंट एसेट्स 1,76,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। ये हमें निकालना है
आइए देखें कि हमारी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है हमारी बच्चों टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये है हमारी इक्वेशन। यानी वी मस्ट कैलकुलेट द टोटल डेट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टोटल डेट। सो टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, व्हाटएवर वी आर सपोज टू पे। आइए देखें क्या शेयर कैपिटल लायबिलिटी है, नो। रिजर्व्स एंड सरप्लस है, नो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यस इट इज, इट इज द रेलेवेंट फैक्ट फॉर अस। सो we may say that yeah we should consider this for the calculation of this ratio. Current liabilities क्या इसमें शामिल की जाए total debts में, आप बताइए। क्या ये interest bearing liabilities है, ये तो हम लोगों ने अभी देखा था, कहता है ना कि instead of ये sometimes only interest bearing liabilities, current liabilities पे बच्चों interest नहीं देना होता है। ये जो करंट लायबिलिटीज हैं ये ट्रेड क्रेडिटर्स टाइप के होते हैं, जिनसे आपने अभी माल लिया, बिल आया, दो तीन दिन में पेमेंट चला गया। सो दिस इज समथिंग नोन एज करंट लायबिलिटी। तो इसके ऊपर आपको ब्याज नहीं देना होता है। ये बच्चों लॉन्ग टर्म डेट या टोटल डेट नहीं है। तो फिर अगला जो आइटम हमारे पास है वो है फिक्स एसेट्स, इसे भी कोई लेना देना नहीं है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी हमारे टोटल डेट को डिफाइन नहीं करता और करेंट एसेट्स तो डिफाइन नहीं ही करता। सो व्हाट इज दिस डेट, टोटल डेट इज ओनली वन फिगर विच इज नाउ 1,78,500, दिस वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। नाउ लेट अस कंसीडर द शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स का पैसा कितना लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। So this is shareholders fund, this is also belongs to shareholders, this we have already considered, current liabilities are not shareholders fund, fixed assets are not shareholders fund, non-current investment is also not shareholders fund and current assets, okay. So we have two figures, 1,50,000 minus 23,000, why minus, I have already shared with you, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी ये माइनस है, ये लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। तो फिर 1,50,000 माइनस 23,000, 1,27,000, यू हैव नाउ टू फिगर्स विच यू हैव टू पुट इनटू द इक्वेशन एंड फाइंड द टोटल वैल्यू। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो टोटल डेट्स 1,78,500 कहां से आया, ये यहां से आया। 1,27,000 ये कहां से आया, ये यहां से आया। एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि किस किस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिनोमिनेटर को हमेशा एक मानकर चलेंगे। सो नाउ 1,78,500 शुड बी डिवाइडेड बाय 1,27,000, सो द रेशियो इज अपेरेंट इन फ्रंट ऑफ अस विच इज 1.4:1। दिस इज फ्रेंड्स समथिंग रिलेटेड टू डेट equity ratio, debt to equity ratio. Then the third ratio which we have in front of us is debt to total assets ratio. Total assets ka debt mein kya contribution hai, debt kitna total assets ko de raha hai one by one. So it measures the proportion of total assets financed with debt. बहुत सारी एसेट्स हमने खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, बस खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, पैसा कहां से आया, कितना उधार का पैसा लगा हुआ है, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। एंड देयरफॉर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, मैंने आपको बताया लिवरेज की बात हम आगे करेंगे। इन्वेस्टर्स यूज दिस रेशियो टू इवैल्यूएट द ओवरऑल रिस्क ऑफ द कंपनी। जैसे डेट इक्विटी रेशियो भी रिस्क को हमें बताता है, ऐसी डेट टू टोटल एसेट रेशियो भी ओवरऑल रिस्क को बताता है। कंपनीज विद हायर रेशियोज आर कंसिडर्ड मोर रिस्की। व्हाट इज दिस हायर रेशियो, डेट टू टोटल एसेट्स, जितना डेट टोटल एसेट्स के मुकाबले ज्यादा होगा उतना ही कंपनी ज्यादा रिस्की मानी जाएगी, मोर रिस्की। सो वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट इट। दस लोअर इज ऑलवेज बेटर, जितना कम होगा उतना हमारे लिए
बेहतर होगा। आइए देखें कि इक्वेशन क्या है। सो डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, डेट मींस व्हाट? टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, जो हमें बाहर वालों को देना है। टोटल एसेट्स माने जो हमने एसेट्स लगाई हुई हैं। टोटल एसेट्स में हमने करंट एसेट्स को भी जोड़ना है और नॉन करंट एसेट्स को भी जोड़ना है। दोनों जोड़ी जाएंगी, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स बोथ। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो विद मोर डिटेल्ड डेफिनेशन ऑफ द टू एस्पेक्ट्स, दैट इज डेट एंड एसेट्स। सो वेयर द टोटल डेट और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगेन इंटरेस्ट बियरिंग बोरोइंग्स। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। ट्रेड क्रेडिटर्स इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं बच्चों, याद रहे। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ब्याज लगेगा। डिफर्ड पेमेंट ऑफ अरेंजमेंट फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट, आपने 50 लाख रुपए की मशीन खरीदी और कहा कि हम 5 लाख रुपए हर साल देंगे, यानी पहले साल आपने 5 लाख दिया, 45 लाख अभी आपको देना होगा। इस पर बच्चों ब्याज लगेगा। जो कंपनी आपको पेमेंट डिले करके देने की सुविधा दे रही है वो कॉस्ट जरूर लेगी। देन बैंक बोरोइंग्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अदर इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स। आई विल लाइक टू हाईलाइट दिस अगेन दैट वी आर ऑलवेज कंसर्न विद इंटरेस्ट बियरिंग मनी, इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स। इतना बच्चों हमें याद रखना है कि इंटरेस्ट बियरिंग की ही बात हम कर रहे हैं। टोटल एसेट्स इंक्लूड ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट में क्या आ रहा है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड नेगेटिव बैलेंसेस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इन दोनों एक्सपेंसेस के नेचर आप बच्चों जानते हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी शुरू करते समय आपको करने होते हैं, जिसका एडवांटेज आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, जो आप 10 साल तक या हो सकता है कम में भी प्रोपोर्शनेट हर साल रिड्यूस करते जाते हैं, तो ये एसेट्स में शामिल नहीं होगा। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, वो एसेट्स जो फिक्टिशियस हैं नहीं पर दिखाई जा रही हैं। सिमिलरली नेगेटिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो दो चीजें इसमें शामिल नहीं होंगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ वन इलस्ट्रेशन। आइए इलस्ट्रेशन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन 6 आपके सामने। शेयर कैपिटल 1.5 लाख रुपए, रिजर्व्स एंड सरप्लस 23,000 माइनस, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 1,78,500, करंट लाइबिलिटीज 18,500, फिक्स एसेट्स 1,23,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 26,000, करंट एसेट्स 1,76,000। ये वही इलस्ट्रेशन है जिसको अभी हम पढ़कर आए हैं। उसी इलस्ट्रेशन की फिगर्स की बेसिस पर हमसे कुछ ये नया कैलकुलेट कराया जा रहा है जिसको इलस्ट्रेशन 7 कहा जा रहा है। सो इन द अबव इलस्ट्रेशन कंप्यूट डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। आइए देखें कि डेट कितना है। अब यहां हमारे पास डेट कितना है इसको हमें देखना होगा। डेट माने क्या? टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। आइए एक एक करके एक एक फिगर को देखते चलते हैं, क्या ये डेट है? सो द फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, क्या ये डेट है? दिस इज शेयर कैपिटल, क्या ये डेट है? नो, सो हटा दिया। दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या ये डेट है? नो, इसको भी हटा दिया। थर्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, क्या ये डेट है? ओ यस, यही तो डेट है, और क्या डेट है? तो ये आ गया 1,78,500। थर्ड करंट लायबिलिटीज, क्या ये डेट है? करंट लाइबिलिटीज डेट है पर इंटरेस्ट बियरिंग नहीं है। फिर उसके बाद क्या आ जा रहा है? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स, ये तो डेट नहीं ही है। तो बच्चों यहां टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर ली। आइए आप देखें नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिनोमिनेटर, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या है? टोटल एसेट्स कहां से निकलेंगी? सो टोटल एसेट्स के लिए आइए देखें कहां कहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So we have fixed assets 1,23,000, we have non-current investments 26,000 and we have current assets 1,76,000।
आइए तीनों को जोड़ते हैं, जोड़कर देखते हैं कि क्या निकलेगा। सो दिस इज 123,000 प्लस 26,000 प्लस 176,000, तीनों को जोड़ देते हैं। सो नाउ द फ्रेंड्स वी हैव नेक्स्ट रेशियो एज कैपिटल गियरिंग रेशियो। व्हाट इज दिस कैपिटल गियरिंग रेशियो? लेट्स अंडरस्टैंड इट। कैलकुलेट टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट, मीनिंग thereby that the money which you have to pay in any case. This may be in the form of dividend also. दो तरह से हमें पैसा देना पड़ता है, एक प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना पड़ता है और दूसरा डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो कैलकुलेटेड टू शो द पोर्शन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट ब्रैकेट में डिविडेंड बियरिंग कैपिटल टू फंड बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज इक्विटी फंड्स टू और नेटवर्थ। सो व्हाट इज द एनालिसिस व्हिच इज बीइंग डन हियर? फंड्स प्रोवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स वन, एंड फंड्स प्रोवाइडेड बाय दोज हु आर रिसीविंग अ फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा दिया और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं या जिनको फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलनी है वो लोग कितने हैं, इसको हम देखते हैं। इक्वेशन आपके सामने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया क्योंकि इस पर फिक्स्ड डिविडेंड देना ही होगा, इनके पास प्रेफरेंस है, प्लस डिबेंचर्स प्लस अदर बोरोड फंड्स। फिर से ऐसी कोई कैपिटल, ऐसा कोई पैसा जिस पर आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तो वो हो गया न्यूमरेटर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस अदर बोरोड फंड्स, और नीचे डिनोमिनेटर क्या आ गया? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, वी नो अबाउट इट वेल। सो कितना हमारा है और कितना बाहर का है, दिस इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। अ कंपनी इज सेड टू बी लो गियर्ड इफ शेयर होल्डर्स फंड्स आर मोर देन फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स, एंड हाईली गियर्ड इफ वाइस वर्सा इज देयर। यानी हमारे पास फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स कम है और शेयर होल्डर्स फंड्स ज्यादा है। इलस्ट्रेशन हमारे सामने, इलस्ट्रेशन 8, आइए इसको पहले वैल्यूज को पढ़ लेते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी 9,00,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 5,00,000, 10% डिबेंचर्स 2,00,000, लॉन्ग टर्म बैंक लोन इस 12,00,000 और रिजर्व्स 4,00,000। ब्रैकेट में कुछ नहीं है, माने माइनस वाली फिगर यहां नहीं है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटल गियरिंग रेशियो। वी नो द इक्वेशन वेल, द इक्वेशन इज इन फ्रंट ऑफ अस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस अदर बोरोड फंड्स, इंटरेस्ट बियरिंग बोरोड फंड्स, अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस माइनस लॉसेस। यहां लॉसेस नहीं है तो हमें माइनस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास शेयर होल्डर्स इक्विटी, सो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मनी, दैट इज 5,00,000 ऑफ रुपीज, सो वी हैव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मनी, ये यहां आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देन वी हैव 10% डिबेंचर्स, सो वी हैव डिबेंचर्स, सो वी हैव डिबेंचर्स। देन वी हैव अदर बोरोड फंड्स, so other borrowed funds are 2,00,000, so we have other borrowed funds 2,00,000, that is, oho, ये तो आपके illustration में गलत छप गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको अभी हम ठीक कर देते हैं। यहां गलती क्या हो गई है कि loan from bank जो solution में दिखाया गया है वो 2,00,000 दिखाया गया है, तो actually ये है, और 10% debentures जो दिखाए गए हैं वो 12,00,000 दिखाए गए हैं, तो वो ये है, तो उतनी कोई ऐसी बात नहीं है। दस यू अंडरस्टैंड कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और इसको हम कैसे हैंडल करने जा रहे हैं। तो 10% डिबेंचर्स 12,00,000, लोन फ्रॉम बैंक 2,00,000, एंड देन वी हैव रिजर्व्स, दैट इज 4,00,000 रुपीज, सो वी हैव रिजर्व्स 4,00,000 रुपीज, टोटल कर दीजिए, माइनस यहां करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों हमारे पास अब जो फिगर्स आ गई, 5,00,000 प्लस 12,00,000, 17,00,000 प्लस 2,00,000, 19,00,000, सो ये 19,00,000 आ गया, और 9,00,000 प्लस 4,00,000 बराबर 13,00,000 आ गया। हमारी स्टडी में जो सॉल्यूशन दिया गया है वो क्या दिया गया है बच्चों?
वो दिया गया है 19:13. What is this 19:13? Is the ratio. 19:13 is the ratio. अभी तक जितने भी रेशियोज आपने देखे उसमें ये जो इस टू वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये तो हमेशा वन रही. तो आइए इसको वन मान लेते हैं. What are you supposed to do? 19 lakhs should be divided by 13 lakhs. Then the actual ratio will be 1.46:1. स्टडी में ऐसा नहीं दिया गया है, स्टडी में गलत नहीं है, लेकिन और ज्यादा बेहतर तरीका लिखने का यह हो सकता है जैसा स्टडी में हर इलस्ट्रेशन में दिया गया है. रेशियोज को ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन यहां हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इसको 1.46:1 की तरह से शो करें, डिपिक्ट करें. अब अगला एक बात और यहां आ रही है, वो बात हमारे पास ये आ रही है कि दिस इज बीइंग ट्रीटेड हाईली गियर्ड. हाईली गियर्ड का क्या मतलब हुआ? माने आपने लोन ज्यादा लिया हुआ है, अपना पैसा कम लगाया हुआ है. सो आइए देखें पिछली स्लाइड में हमें क्या बताया गया था. ये आपके सामने आ गया. लो गियर्ड कब होगा? लो गियर्ड तब होगा जब शेयर होल्डर फंड्स आर मोर देन फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स. यहां हमारे एग्जाम्पल में क्या पोजिशन आ रही है? जो शेयर होल्डर्स फंड है वो कम है, यानी ये लो गियर तब होती जब शेयर होल्डर्स फंड्स ज्यादा होते. हाईली गियर कब होगी? जब शेयर होल्डर फंड्स कम होंगे. तो इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स हमारे पास 19 लाख हैं. नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स या नॉन डिविडेंड बियरिंग फंड्स यानी इक्विटी फंड्स हमारे पास 13 लाख हैं. तो बच्चों इसको इसलिए कहा जाएगा हाईली गियर्ड. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाईली गियर्ड और लो गियर्ड. मैंने आपको बताया कि इसको कैलकुलेट इसी तरह से किया जाना चाहिए. आइए आखिरी रेशियो इस कैटेगरी का देखते हैं, विच इज नोन एज प्रोप्राइटरी रेशियो. व्हाट इज दिस प्रोप्राइटरी रेशियो? दिस इंडिकेट्स अ पोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस. अभी तक हम इक्विटी की बात करते आ रहे थे. हमने आमतौर से प्रेफरेंस शेयर्स को ये नहीं माना था कि ये भी पार्ट ऑफ इक्विटी हैं. यहां हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पार्ट ऑफ इक्विटी मान रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोप्राइटरी फंड ऑब्लिक टोटल एसेट्स. बहुत सिंपल हो गया. प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर्स का फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ये तो आपको मालूम ही है, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स के फंड होते हैं. और डिवाइड कहां से करना है? टोटल एसेट्स से. तो आपको मालूम है टोटल एसेट्स एक्सक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉसेस. तो एसेट साइड में जितना भी है उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स और लॉसेस को हटा दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा. सो इन दिस मैनर फ्रेंड्स वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस विच इज कवरेज रेशियोज. कवरेज रेशियोज में मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भी हमें ब्याज देना है वो हम दे पा रहे हैं या नहीं. हमारा इन्वेस्टर दो बातों में इंटरेस्टेड है. एक, उसने जो पैसा लगाया है वो सुरक्षित रहे. दो, उसको जो ब्याज की उम्मीद है वो पूरी होती रहे. तो ये जो कवरेज रेशियो है ये अब ब्याज की बात कर रहा है, इंटरेस्ट की बात कर रहा है. चार रेशियोज हमारे सामने हैं. डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफर्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो. आइए देखें एक एक करके कि कौन से रेशियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं. सो दीज आर द कवरेज रेशियोज. द फर्स्ट कवरेज रेशियो विच वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू सर्विस द फिक्स्ड लाइबिलिटीज. It establishes the relationship between fixed claims and what is normally available out of which these claims are to be paid. क्या हमें देना ही होगा हर बार, हर रोज जब सूरज उगता है तो हमें यह देना ही पड़ेगा. और देने के लिए हमारे पास कुछ है या नहीं है यह हमें देखना पड़ेगा. तो क्या है? व्हाट इज नॉर्मली अवेलेबल
आउट ऑफ विच दीज क्लेम्स आर टू बी पेड। तो बच्चों हम इन दोनों का ही कंपैरिजन लगातार करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में क्या बैलेंस बना हुआ है। दिस इज समथिंग नोन एज कवरेज रेशियोज। आइए आगे बढ़ें और देखें कि फिक्स्ड वाला जो रेशियो है हमारे पास वो क्या है। द फिक्स्ड क्लेम कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, प्रेफर्ड डिविडेंड, एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल और रीपेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल ऑन मैच्योरिटी। दो चीजें तो बच्चों आपको पता है, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड हमें देना होगा वो आपको पता है। अब ये तीसरी चीज क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल और रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन्स। आपने कुछ लिया, हर साल आपको कुछ कुछ वापस करना पड़ेगा, दिस इज एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल। या आपने कुछ हर साल पेमेंट की शर्त पर एसेट्स खरीद ली, सो दिस इज रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। आपने लोन ले लिया और कहा कि हम हर साल 5 लाख रुपए वापस करेंगे, 20 लाख रुपए आपने लिया, 4 साल तक अब वापस करेंगे, 5-5 लाख रुपए हर साल वापस करेंगे, सो दिस इज रिडम्पशन। ये रिडम्पशन प्रेफरेंस कैपिटल का भी हो सकता है मैच्योरिटी पे। प्रेफरेंस शेयर हो शेयर हमने मान लीजिए 5 साल के लिए या 7 साल के लिए इशू किए थे, अब 7 साल हो गए हैं तो हमें प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करना होगा। ये सब हमें कवर करके चलना पड़ेगा, यानी इसके लिए हमें पैसा अपने पास रखना होगा। दिस इज समथिंग नोन एज कवरेज रेशियोज। ओके, सो वन बाय वन द काइंड ऑफ कवरेज रेशियोज वी हैव 4 कवरेज रेशियोज। वन इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अनदर इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, थर्ड वन इज प्रेफर्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो एंड द फोर्थ वन इज फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। अगेन आइए बात करें डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है। लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन डेट सर्विस कवरेज, दो बातों में इंटरेस्टेड है, उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं, वापस मिल पाएगा कि नहीं, नंबर टू उनको ब्याज मिलता रहे, सर्विस बने ब्याज। तो लेंडर्स जज द फर्म्स एबिलिटी टू पे आउट करेंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स। दो बातों में वो इंटरेस्टेड है, मैं आपसे लगातार शेयर कर रहा हूं, इंटरेस्ट मिल जाए और जो उन्होंने दिया हुआ है वो वापस मिल जाए। तो इसके लिए क्या इक्वेशन है हमारे सामने, डेट सर्विस कवरेज रेशियो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज अपॉन इंटरेस्ट लायबिलिटीज प्लस इंस्टॉलमेंट्स। का क्या मतलब हुआ, अर्निंग्स फॉर डेट सर्विस, अब ये जो हमारे सामने आ गया अर्निंग्स फॉर डेट सर्विसेज, ये जो फैक्टर है डेट सर्विसेज, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है। अर्निंग्स फॉर डेट सर्विसेज इज नेट प्रॉफिट, दैट इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन एंड अदर एमोर्टाइजेशन लाइक रिटर्न राइटिंग ऑफ ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट प्लस अदर एडजस्टमेंट्स लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। इतनी चीजों को जोड़ देते हैं तो अर्निंग्स फॉर डेट सर्विस आ गया। फिर से आइए एक बार इत्मीनान से समझते हैं कि डेट की सर्विस के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हमने प्रॉफिट कमाया तो ये नेट प्रॉफिट हो गया, इस पर टैक्स हमें देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हम कह रहे हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें हम कुछ कुछ कंपोनेंट्स और जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, जो हमें कहीं देना नहीं पड़ता लेकिन नेट प्रॉफिट्स को हम उससे रिड्यूस कर देते हैं। क्या क्या होता है, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन एंड अदर एमोर्टाइजेशन। आपने डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में दिखा दिया है, डेप्रिसिएशन कहीं दिया तो गया नहीं, यानी कैश आपके पास अवेलेबल था। दूसरी बात इंटरेस्ट्स,
जो भी इंटरेस्ट आपने पे किए हैं, जाहिर है उन्हीं के लिए तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पर हम अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस में इंटरेस्ट को भी जोड़ लेंगे। और अदर एडजस्टमेंट्स लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है तो भी कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं, तो इन सबको हम जोड़कर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज कहते हैं, यानी डेट पर ब्याज देने के लिए जो पैसा हमारे पास है, दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज। इसको हम डिवाइड काहे से कर रहे हैं, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज प्लस इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स की बात एक सेकंड रुक के समझते हैं। इंटरेस्ट लाइबिलिटीज यानी जो हमें ब्याज देना पड़ेगा, तो कितना कैश हमारे पास है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं काहे के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, प्लस जो हमें लोन का रीपेमेंट करना होगा, इंस्टॉलमेंट्स देने होंगे वो, इन दोनों को जोड़ दें। इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि कितना हमारे पास अवेलेबल है और कितना हमें देना है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रेशियो आ गया, रेशियो से आपको पता चलेगा कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है। दूसरा जो हमारे पास रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आइए देखें कि ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड रेशियो, कितना गुना, टाइम्स माने गुना, कितना गुना आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है जो आप पे कर सकते थे। आपको इंटरेस्ट देना है एक रुपया, आपने कितना गुना अर्न किया, आपने तीन रुपया अर्न किया तो तीन गुना हो गया। सो दिस इंडिकेट्स फर्म्स एबिलिटी टू मीट ओनली द इंटरेस्ट एंड अदर फिक्स चार्जेस ऑब्लिगेशंस, कितना हम पे कर पाएंगे। इंडिकेट्स द एक्सटेंट विच अर्निंग्स मे फॉल विदाउट कॉजिंग एनी एम्बेरसमेंट टू द फर्म रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की ही बात हो रही है। A high interest coverage ratio means that enterprise can easily meet its interest obligations. जो ब्याज हमें चुकाना है वो हम आराम से दे पाएंगे, कब, जबकि high interest coverage ratio है। और even if earnings before interest and taxes suffer considerable decline, अगर हम मान ले रहे हैं कि interest pay करने के बाद या taxes देने के बाद काफी पैसा कम हो जा रहा है, तो भी हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम ये कहें कि इंटरेस्ट से पहले हमारे पास जो रुपया अवेलेबल है वो 100 रुपया अवेलेबल है, और इंटरेस्ट पे जब हमने कर दिया तो फिर हमारे पास कुल 20 रुपया अवेलेबल है, तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट तो पूरा पे हो जा रहा है ना। दिस इज समथिंग विच नीड टू बी कंसिडर्ड। A low ratio, a lower ratio indicates excessive use of debt or inefficient operations. दो तरह की बातें हैं। अगर आपका रेशियो कम है तो या तो आपने लोन पर ज्यादा रुपया लिया हुआ है, या जितना लिया हुआ है उसको आप अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके ऑपरेशंस इनएफिशियंट हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। वही बात जो मैंने आपको बताई कि इंटरेस्ट कितना है और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी है। आपका इंटरेस्ट है 20 और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है 100, तो आपका हाई रेशियो हो गया। इस तरह से आपको ये पता चल गया कि आप कितना पे कर सकते हैं। तो आइए देखें कि इलस्ट्रेशन 9 में हम कैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करेंगे। You are required to calculate interest coverage ratio and debt service coverage ratio with the help of following details. Three details are there. One, net profit after tax 60,000, 15% long-term debt 10 lakh of rupees. इसमें कुछ repayment भी है। क्या है? Principal amount has to be repaid. Principal amount is repayable in 20 equal installments. 10 lakh रुपए हैं, 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इनको हमें पे करना है। एंड द टैक्स रेट इज 40%।
So let's see how are we going to calculate the ratios. So जो basic figures हैं बच्चों वो मैंने यहाँ लिख ली. Net profit after tax 60,000, 50% long term debt 10 lakh of rupees and principal amount is repayable in 20 equal installments. Tax rate is 40%. आइए देखें interest coverage ratio क्या है. तो जो equation हमारी बता रही है वो क्या बता रही है. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. आइए देखें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मिला हुआ है. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 60,000. इसको हमें बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है. तो टैक्स कितना है. टैक्स रेट है 40%. यानी 100 रुपये कमाएंगे तो 40 रुपये टैक्स लग जाएगा. आइए वर्किंग नोट्स पर देखें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करें. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हमारे पास है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट. दिस वी अंडरस्टैंड. सो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस 40 विच कम्स टू 1 लाख ऑफ रुपीस. यानी हमारे पास जो इन वो नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो 1 लाख रुपए है. अब आइए देखें कि इंटरेस्ट हमने कितना दिया है. तो इंटरेस्ट का फैक्टर हम कहां से निकाले. 10 लाख रुपए का लोन था ये 10 लाख रुपए का लोन है. इंटरेस्ट 15% है तो इसके ऊपर 15% अप्लाई कर देते हैं 1.5 लाख रुपए हो गया. तो अब दो वैल्यूज हमारे पास बच्चों आ गई हमारे सामने. एक 1 लाख रुपए की दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट इज 1,50,000. सो नाउ वी हैव दिस फिगर विद अस विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख प्लस 1,50,000. इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास बच्चों आ जा रहा है 2,50,000. दिस इज 2,50,000. ये पहली वर्किंग हमने की और यहां हमने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लिया 2,50,000. ओके दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज 1,50,000. सो द रेशियो इज 2,50,000 अपॉन 1,50,000. हमें याद है कि जब हमने आपसे चर्चा की थी कि रेशियोज को कैसे कैसे कहा जा सकता है तो हमने आपको बताया था कि टाइम्स में भी बताया जा सकता है. तो यहां 1.67 टाइम्स ये आपके सामने आ गया. 1.67 टाइम्स कोई नई बात नहीं है. इसमें कोई बहुत अलग ढंग से हमने नहीं कह दिया है. इसको हम बड़े आराम से कह सकते थे 1.67 इज टू 1. वही तो बात हो गई. 1.67 इज टू 1 कहें या 1.67 टाइम्स कहें बात वही हो जाती है. हमारे पास न्यूमरेटर है 2.5 लाख रुपए डिनोमिनेटर है 1.5 लाख रुपए. आपको मालूम है कैसे किसको कौन डिवाइड करता है. दूसरा रेशियो बच्चों जो हमारे पास है वह है डेट सर्विस कवरेज रेशियो. आइए देखें कि इसकी इक्वेशन क्या है. अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस. डेट की सर्विस के लिए क्या क्या हमारे पास अर्निंग्स अवेलेबल है यह हमें देखना पड़ेगा. डेट की सर्विस के लिए हमारे पास क्या क्या अर्निंग्स अवेलेबल है. तो प्रॉफिट है और डेट की जो सर्विस है उसको जोड़ लें वो है. तो ये क्या है वही 2.5 लाख रुपए है 2,50,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था. सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख रुपए दिस वी हैव कैलकुलेटेड एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट 1.5 लाख रुपए ये भी हमने कैलकुलेट किया. सो दिस इज समथिंग विच वी हैव एज अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेस. अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेस देन व्हाट इज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स. इंटरेस्ट है बच्चों हमारे पास एकदम सिंपल 1.5 लाख रुपए ये हमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ ये 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट है. नाउ हाउ मच वी आर सपोज टू रीपे दैट इज
इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स की भी बात हमें कहीं करनी पड़ेगी। कैसे पता चलेगा? कितना लोन लिया हुआ है, दैट्स ऑल्सो नोन टू अस, 10 lakh rupees, दिस व्हाट वी हैव बोरोड। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वी आर रिक्वायर्ड टू पे 20 equal installments, सो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10,000, दिस इज द इंस्टॉलमेंट विच वी आर सपोज टू पे। सो 1,50,000 इज द इंटरेस्ट, दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वी नो अबाउट इट। एंड हाउ मच वी आर सपोज टू पे एज इंस्टॉलमेंट इज 50,000, दिस वी हैव अंडरस्टूड, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 20, सो दिस इज नाउ 2,50,000 अपॉन 2 lakhs। सो अगेन इट मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, 1.25 times, और यू मे वेरी ईजीली राइट एज आई ऑलरेडी शेयर विथ यू दैट इट इज 1.25 is to 1, लाइक जो ऊपर वाले में हमने कहा था कि 1.67 is to 1, टाइम्स में भी कह सकते हैं और इज टू वन में भी कह सकते हैं। दिस इज समथिंग नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाउ फ्रेंड्स द नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो हमें देना है उसको देने के लिए पर्याप्त एडिक्वेट एनफ पैसा हमारे पास है या नहीं। सो दिस इज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड डिविडेंड हमें देना ही पड़ेगा। दिस इंडिकेट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हमारी लायबिलिटी है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मार्जिन चाहिए कि भाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सो हायर रेशियो इज डिजायरेबल, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पे कर ही पाएंगे। सो हायर रेशियो इज डिजायरेबल फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आइए देखें कैसे कैलकुलेट होता है। सिंपल इक्वेशन आपके सामने, नेट प्रॉफिट अपॉन अर्निंग आफ्टर टैक्सेस अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम प्रेफरेंस डिविडेंड दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कंसिडर्ड, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इज बीइंग कंसिडर्ड, व्हाई? बिकॉज अनलाइक डेट ऑन विच इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द प्रेफरेंस डिविडेंड इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दो बातें अलग अलग हो गई। अगर डिविडेंड पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो टैक्स घटाने से पहले, सॉरी टैक्स देने से पहले घटाया जा सकता है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यूज। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कोई डिविडेंड दिया जा रहा है तो वो चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यूज नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी से अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इज बीइंग कंसिडर्ड, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो यार नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सो इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल वेयर प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड ओनली आफ्टर payment of tax, this we understand. Similarly, equity dividend coverage ratio can also be calculated, that is earning after tax, EAT. EAT is bada common expression hai, jisko hum kehte hain earning after tax minus preference dividend and equity funds figures into consideration. Mani equity shareholders ko hum kitna dividend de payenge, usko bhi hum is equation mein slight change karke कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इक्विटी डिविडेंड कवरेज भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और रेशियो बचता है विच इज फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। सो व्हाट इज दिस फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, जो भी खर्च हमें देना ही होगा शोज हाउ मेनी टाइम्स द कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर्स ऑल फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस कौन कौन से हैं उसकी चर्चा हम एक मिनट करते हैं। इफ दिस रेशियो इज मोर देन वन, इट इज बीइंग कंसिडर्ड एट सेफ, इट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी कैन पे इट्स फिक्स्ड कॉस्ट विद इट्स इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माने हमने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया, टैक्सेस भी नहीं पे किए, तो भी हमारे पास इतना है, वी हैव एनफ to pay our fixed cost. What is this fixed cost? The thing which we have to pay on a permanent basis. So, fixed charges ratio, fixed charges coverage ratio is EBIT,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी, ईबीआईटी भी एक बड़ा कॉमन सा एक्सप्रेशन है, एब्रीविएशन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्लस फिक्स चार्जेस बिफोर टैक्स अपॉन इंटरेस्ट प्लस फिक्स चार्जेस बिफोर टैक्स। सो इसकी मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि फिक्स चार्जेस हमारे कितने कवर्ड हैं, कितना हम आराम से दे पाएंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 80,000, लीज पेमेंट, अब आपको समझ आया कि फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस क्या है, लीज पेमेंट एंड इंटरेस्ट, थ्री फिगर्स आर देयर, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लीज पेमेंट दैट इज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज एंड इंटरेस्ट। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो तो हमें 80,000 सीधे दिया ही हुआ है, 80,000। दूसरा इसमें हमें क्या जोड़ना है, फिक्स्ड चार्जेस बिफोर टैक्स, सो फिक्स्ड चार्जेस बिफोर टैक्स लीज पेमेंट 50,000 अपॉन इंटरेस्ट दैट इज इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड चार्जेस बिफोर टैक्स प्लस फिक्स्ड चार्जेस बिफोर टैक्स इज 50,000। सो अगेन दिस रेशियो इज 1.625 टाइम्स, मैंने बदल दिया, भाषा बदल दी, नाउ इट सेज आई एम सेइंग दिस इज 1.625 टाइम्स, एक रुपया देना है तो 1.625 गुना हमारे पास है, रेशियो में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, 1.625:1। सो इन दिस मैनर इट्स बीइंग कैलकुलेटेड। सर्टन अदर इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेटिंग रेशियोस, ईबीआईटी जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज इक्वल टू पीबीआईटी ऑल्सो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईएटी इज अर्निंग आफ्टर टैक्सेस विच इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस और पीएटी, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्सेस इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। रेशियोज शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी एंड मे डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल फॉर्मूले। देखिए ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि इंडस्ट्री को देखते हुए, फर्म को देखते हुए, हम ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा थोड़ा बदल लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक कंसिस्टेंसी का भी प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि जो हमने इक्वेशन पिछली बार इस्तेमाल की थी वही इक्वेशन हम अगली बार भी इस्तेमाल करेंगे, ओनली देन द टू रेशियोज विल बी कंपेयरेबल, अदरवाइज दे विल नॉट बी कंपेयरेबल। सो न्यूमरेटर शुड बी टेकन इन करस्पॉन्डेंस विद द डिनोमिनेटर एंड वाइस वर्सा, माने जैसा न्यूमरेटर लिया वैसे ही डिनोमिनेटर लीजिए, या जैसा डिनोमिनेटर लिया वैसे ही न्यूमरेटर लीजिए, पिछले पीरियड में जो जो न्यूमरेटर में लिया वही डिनोमिनेटर में ले लीजिए, वही न्यूमरेटर में इस बार भी लीजिए, जो पिछली बार डिनोमिनेटर में लिया था वही डिनोमिनेटर में इस बार भी लीजिए। अगर किसी दूसरी फर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, बदल नहीं सकते। इंडस्ट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं तो भी इंश्योर कीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है।